गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ भारतीय ऐप्स को रिमूव करने का फैसला लिया था। गूगल के इस फैसले का पहले स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर ने विरोध किया और फिर सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। इसके बाद गूगल ने शादी.com समेत कई ऐप को हटाने का फैसला वापस ले लिया। दरअसल शुक्रवार शाम को सामने आई खबर में कहा था कि गूगल ने 10 भारतीय ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला लिया। इसमें शादी.com, नौकरी.com, 99acres जैसे नाम शामिल थे। बीते साल कंपनी ने कुछ ऐप्स डेवलपर को चेतावनी भी दी थी। इसके बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के इस फैसले पर सख्त रवैया अपनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐप रिमूव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने गूगल के साथ और ऐप मालिकों के साथ एक मीटिंग का भी आयोजन किया था, लेकिन मीटिंग से पहले ही गूगल ने अपना फैसला वापस ले लिया। अश्विनी वैष्णव ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि स्टार्टअप इसको सिस्टम भारतीय अर्थव्यवस्था की कुंजी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला सर्विस फीस पेमेंट नहीं देने का था। इसके बाद गूगल ने प्लेटफॉर्म ने अब इन ऐप्स को रिमूव करने का फैसला लिया था। दरअसल कई स्टार्टअप चाहते थे कि गूगल की तरह से चार्ज ना लगाया जाए और फिर उन्हें ये पेमेंट नहीं की। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। गूगल के इस फैसले की आलोचना कई लोगों ने की। कुकू FM के CEO लालचंद विष्णु ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके गूगल की आलोचना की और उसके फैसले को गलत ठहराया। नौकरी.com और 99acres के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने भी पोस्ट करके गूगल के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की है।